नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। राजनगर में बच्चा चोर के संदेह में ग्रामीणों ने चार युवकों की ली जान, पुलिस वैन को किया आग के हवाले। जमशेदपुर स्थित होटल ग्रांड से संदिग्ध अवस्था में शव बरामद, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर के साक्षी से हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, विभिन्न थानों में आपराधिक मामले हैं दर्ज। और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की रिहाई को लेकर जेवीएम ने किया चक्का जाम, रहा मिला जुला असर। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। पूर्वी सिंहभूम जिले के बाद अब सरायकेला जिले में भी बच्चा चोर की अफवाह जोरों पर है। यहां के राजनगर में बच्चा चोर के संदेह में फिर चार युवक की जान चली गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि राजनगर थाना क्षेत्र के शोभापुर गांव के एक मकान में बच्चा चोरों के जमा होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वहां पहुंच ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा और लाठी डंडे व तलवार से पिटाई करना शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं कुछ युवक मकान के एक कमरे में छुप गए, जिन्हें निकाल ग्रामीणों ने जमकर पीटा। वहीं मौके पर पुलिस वालों ने पहुंचकर अन्य युवकों को ग्रामीणों से बचाया। इस क्रम में राजनगर थाना प्रभारी और एक एएसआई समेत एक जवान भी घायल हुए हैं। वहीं बच्चा चोर की अफवाह पूरे राजनगर प्रखंड में आग की तरह फैल गई है, जिस कारण भारी मात्रा में पुलिस बल को घटनास्थल में तैनात किया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि ये सभी युवकों को रात में क्षेत्र में देखा गया था। वहीं इस संबंध में मौके पर पहुंचे एसडीओ का कहना था कि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन लोग अफवाहों पर ध्यान ना दे। और जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत काली माटी रोड स्थित होटल ग्रांड के कमरा नंबर 101 में ठहरे कर्नाटक के जेके मार्टिन की संदिग्ध हालत में शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कमरे में शव होने की सूचना होटल कर्मियों ने पुलिस को दी। इससे पूर्व घायल समझ मार्टिन को कर्मचारियों ने पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मार्टिन को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मार्टिन पिछले 10 दिनों से होटल में रुककर जमशेदपुर में कंपनी का काम करवा रहे थे। अचानक सुबह उन्हें होटल कर्मियों ने फर्श पर गिरा देखा। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और पंचनामा कर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को जांच के क्रम में मार्टिन के सर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस होटल के 3 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, करीब 60 वर्ष के थे ये। 9 तारीख से होटल ग्रैंड जो कि साक्षी में यहाँ पे रुके हुए थे। होटल के स्टाफ ने बताया कि इनको सर में बाथरूम में फिसलने से चोट लगी है, जिसकी वजह से इन्होंने भर्ती कराया था इनको, और डीएमएच में परंतु इनकी मृत्यु हो गई। मामला संदेहास्पद है, हम लोग इसकी पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी जांच आने पर हम लोग आगे की कार्रवाई उस तरीके से करेंगे। ये कर्नाटका के थे और ये किसी संबंध में किसी काम से आए थे, ये टेक्निकल पार्ट्स प्रोवाइड कराते थे मशीन्स के। होटल के लोगों को हिरासत में मिली है अभी, ये पूछताछ के लिए होटल के 2 व्यक्तियों को हम लोग थाना ले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। तथा हॉस्पिटल भी अभी हम लोग जाके आगे की कार्रवाई करेंगे। कब से रुका था होटल में? 9 तारीख से होटल में रुके थे, 1000 रुपये इन्होंने एडवांस दिए थे और तब से यहीं रह रहे थे। और जमशेदपुर के साक्षी पुलिस ने गश्ती के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार कर एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस व 2 मोबाइल बरामद किया है। सिटी डीएसपी अनिमेश नथानी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 17 मई को गश्ती के दौरान साक्षी स्थित टेगोर एकेडमी के पीछे भाग रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार युवक का नाम शमीम अली है तथा गिरफ्तार युवक के खिलाफ पूर्व में अलग अलग थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने जानकारी दी, गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गश्ती पार्टी द्वारा गश्ती करने के क्रम में भोर सुबह 5:30 बजे के करीब संदिग्ध अवस्था में एक आदमी घूमता हुआ पाया गया। पुलिस को देखकर वो दौड़ने लगा, जिसको दौड़ाकर बाद में पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम शमीम अली बताया तथा उसकी तलाशी लेने के बाद में उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ, जो कि एक देसी कट्टा है और साथ में एक इम्प्रोवाइज्ड गोली भी है, जो कि संभवतः 315 की गोली है। और उस आदमी को यहाँ पे लाया गया है तो उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बोला है कि उसने ये
4-5 हजार रुपए में ये कपाली के किसी लड़के से खरीदा था, जिसका भी सत्यापन किया जा रहा है। और साक्षी में इसका अपना पैतृक निवास है, अभी फिलहाल ये जुगसलाई में रह रहा है। और इसके भाई का मर्डर 8 साल पहले हुआ था, संभवतः उसी का बदला लेने के लिए ये बोल रहा है कि इसने ये हथियार को लाया गया था। और जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की रिहाई के लिए पार्टी की ओर से गुरुवार को राज्यव्यापी बंद के आह्वान का कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर झाविमो के नेता सड़क पर दिखाई दिए। इस दौरान कुछ जगहों पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया गया था। चक्का जाम का असर शहरी इलाकों में देखने को नहीं मिला। बसें ऑटो रिक्शा का परिचालन होता रहा। बंद को देखते हुए हाट बाजारों और मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हड़ताल के दौरान NH-33 जाम कर रहे झारखंड विकास मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में पार्टी के महासचिव अभय सिंह, जिला अध्यक्ष बबुआ सिंह और राहुल सिंह शामिल हैं। सभी को विभिन्न थाना में रखा गया था। इधर जमशेदपुर के बालीगुमा में सुबह से ही लोगों ने हाईवे में टायर जलाकर जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें हटा दिया। वैसे चांडिल में झाविमो के बंद को लेकर पूर्व जीप उपाध्यक्ष देवाशीष राय को नजरबंद कर दिया गया था। वहीं गमरिया में झाविमो के बंद का कोई असर नहीं रहा। जो हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, गरीबों की आवाज है, किसानों का दर्द है और उनके हक की लड़ाई को जब ये लड़ने लगे तो षड्यंत्र के तहत अडानी के सारे पर, पूंजीपतियों के सारे पर, कारपोरेट घराना के सारे पर उन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जहां पर कुंदा पहन जैसे लोग, जिनके ऊपर में दो दो DSP के मौत का जिम्मेवार व्यक्ति को परेशान करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि हमारे हाथ 75 से बड़े जघन्य अपराध में हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, वैसे व्यक्ति को 15 लाख रुपए का इनाम आप देते हैं और दूसरे तरफ गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को जेल के सलाखों के अंदर बंद कर देते हैं। हमारी और जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छिनतई मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है बुधवार को नीलम सिंह नामक महिला को लुटेरों ने सर पर पत्थर मारकर छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। इधर सिटी DSP अनिमेश नथानी ने मीडिया को बताया पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पत्नी नीलम कुमारी है, उन्होंने एक व्यक्ति पे लूट करने का आरोप लगाया कि उनकी कान की बाली और मोती की माला छीनने का प्रयास किया तथा नहीं दिए जाने पे उनको पत्थर मारकर जख्मी कर दिया तथा घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। उसी मामले में थाना प्रभारी गोविंदपुर तथा एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने उस आदमी की गिरफ्तारी कर ली गई है। उस आदमी के सत्यापन में उसका नाम विशाल कुमार वर्मा पता चला, जो विग इंग्लिश स्कूल के पास में रहता है विशाल कुमार वर्मा। और जो लूट करने की या छिनतई की बात बताई जा रही है, मोती की माला और कान की बालियां, वो PO से ही मिल गई थी। मोती की माला टूट गई थी और कान की बालियां भी वहीं से बरामद कर ली गई थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं, विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोर्ड और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटरबाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ।
हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर, 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657-223-1159 एंड 927-926-1371। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं। जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। आइडल कोचिंग सेंटर इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जमशेदपुर। आइडल कोचिंग सेंटर प्रोवाइड्स कोर्सेज IITG, मेडिकल, फाउंडेशन। पेरेंट्स कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो, जैसे CBSE, JAC, NIOS। कोर्सेज ऑफर्ड बाय आइडल कोचिंग सेंटर, IITG, फाउंडेशन, ट्यूशन फॉर ISC एंड ICOM स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन फॉर नीट, PMT, मेडिकल, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ट्यूशन फॉर BSc एंड BCOM स्टूडेंट्स। We also assist for admission for regular and private registration, CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come, hurry up, admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के तुरिया बेड़ा की रहने वाली एक नवविवाहिता ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया। आनन फानन में उसे गंभीर अवस्था में पड़ोस के लोगों ने भाजपाइयों के साथ मिलकर MGM अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने तत्काल इलाज कर नवविवाहिता को बचा लिया। इधर जानकारी पाकर महिला का पति भी अस्पताल पहुंचा,
शराब के नशे में पति को देख महिला भड़क गई और अपना आपा खो दिया। वह अपने पति की जमकर पिटाई कर दी। आसपास मौजूद लोग भी हैरत में पड़ गए। पीड़िता ने बताया कि जबरन उसकी शादी रांची के एक मंदिर में ले जाकर उसके परिजनों ने युवक से करा दी। उसने कहा कि पहले भी पुलिस और मंत्री सरयू राय से शादी रुकवाने की गुहार लगा चुकी थी। पीड़िता ने कहा कि शादी होने के बाद प्रतिदिन नशे की हालत में उसके पति घर आते हैं और उसके साथ मारपीट किया करते हैं, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया है। पापा इससे दूर उठे शादी करवा लिए, डेली मार पी जाता है, डेली मारता है अपना घर में भी, यहाँ पे भी, मम्मी पे भी हाथ उठा दिया था, बहन पे भी मार पीट डेली होता है। घर में यहाँ पे हैदरपुर के लेके गया था रांची, रांची में शादी करवाया 20 अप्रैल को। कितना? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को पिछले महीना? नहीं, यही 20 अप्रैल को। मारपीट करता है? यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, पापा लेके आए थे, यहाँ भी मारपीट हुई थी। ड्रिंक व्रिंक करके? आज क्या हुआ फिर? अभी डेली डेली झगड़ा हुआ था, कल भी मार दिया था, बहुत चोट लग गया था। फिर बगल में आंटी थी, लेके आई थी यहाँ पे कल इलाज करवाने। यहाँ जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इन लोगों ने अस्पताल के विभाग और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने अपनी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करने की मांग की। वैसे इन लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। सफाई कर्मियों ने बताया कि अस्पताल में 15 सालों से सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई बार अपनी स्थायीकरण की मांग कर चुके हैं, पर अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम अस्पताल, इसमें हम लोग 15 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक कार्य करते हुए आ रहे हैं और सरकार से लगातार मांग करते हुए आ रहे हैं कि हमारा स्थायीकरण किया जाए। और आज बहाली प्रक्रिया जो आवेदन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, हम उसका घोर विरोध करेंगे और हमारा मांग रहे कि सीधी नियुक्ति सफाई कर्मचारी को करे, हमारा यही मांग है। इसका कई बार विरोध भी किया है, इनका कई बार विरोध के पश्चात भी हमारी मांगों को नहीं दरकिनार किया गया, नहीं सुना गया। और ये हम लोगों का और ये हमारा मांग ये है कि अगर भविष्य में हमारे इस मांग को नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्ट्राइक में भी जाएंगे आप लोग? स्ट्राइक में जाने के लिए हम इस पर हम विचार करेंगे और स्ट्राइक भी जा सकते हैं। हम लोग ये अपने 55 मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी। नाम बताइए। रवि नाम था, सफाई कर्मचारी। और सरायकेला जिला के चांडिल डैम से विस्थापित हुए प्रभावितों और विस्थापितों को स्थानीय विधायक साधु चरण महतो ने समुचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। सरायकेला जिले के चांडिल डैम से विस्थापित हुए लोगों को स्थानीय ईचागढ़ के भाजपा विधायक साधु चरण महतो ने स्पेशल पैकेज के तहत मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही समुचित मुआवजा पुनर्वास की भी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। विधायक ने कहा है कि जब तक विस्थापितों को स्पेशल पैकेज के तहत मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक एक भी विस्थापित जमीन नहीं छोड़ेगा। इसे लेकर विधायक द्वारा एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। वहीं श्री महतो ने योजना के तहत कराए गए सर्वे को भी गलत बताया है। इनकी माने तो परियोजना में सिर्फ 13,873 विस्थापितों को चिन्हित किया गया है, जबकि असल विस्थापितों की संख्या 32,000 से अधिक है। इसके तहत एक विस्थापित को 25 लाख का आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की गई है। वहीं ऐसा नहीं होने की स्थिति में विधायक द्वारा उग्र आंदोलन के साथ कोर्ट में जाने की बात कही गई है। स्पेशल पैकेज मिले 25-25 लाख, और जब तक स्पेशल पैकेज नहीं मिलता है एक भी घर खाली नहीं होगा। मैं विस्थापित के साथ साथ प्रशासन को भी आप आगाह करना चाहेंगे कि अवधि सीमा समाप्त हो चुका है और इसमें जिस तरह से आप प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए अपना रुपया का बढ़ोतरी कर रहे हैं, उस तरह विस्थापित का रुपया को भी बढ़ोतरी करने का काम कर रहे हैं। क्या कदम चलिए अभी तो बनने दीजिए, विस्थापित नीति बनने दीजिए, विस्थापित नीति बनेगा तो उस पर देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएगा। जमशेदपुर के सोनिया गांधी प्रचार दल का प्रतिनिधि मंडल SSP से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। सोनिया गांधी प्रचार दल के उपाध्यक्ष किशन खन्ना ने बताया चंद्रिका ठाकुर को इलाज के लिए TMH अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल का बिल 1,70,000 रुपये हो गया था। पूरा बिल चुकता करने में चंद्रिका असमर्थ था। उन्होंने कहा
एकता नगर शंकु साई के रहने वाले अरुण शर्मा ने चंद्रिका के परिवार वालों से कहा कि वे लोग 50,000 रुपए उसे दे दे, बाकी बिल माफ हो जाएगा। 50,000 रुपए लेकर अरुण शर्मा ने ठगी कर ली है। दूसरी तरफ पीड़िता सुदामा देवी ने मामले के संबंध में जानकारी दी। भर्ती था तो गया, मेरा रूम ने पूछते गया तो हम नंबर दे रखा, या आधार कार्ड वोटर आई डी सब मांगा और 1500 रुपया मांगा कागज बनवाने के लिए। अब बड़ा डॉक्टर से मिलेंगे और माफ़ करवा देंगे, कागज बनवा के और टीएमए से हम माफ़ करवा देंगे और एम्बुलेंस कर करके अपना रूम पहुंचा देंगे। अच्छा, और फिर उसको बाद पैसा ले लिया टीएमए में और स्विच ऑफ कर दिया और गायब हो गया। कितना पैसा लिया आपसे? 50,000। 50,000 ले लिया? ले लिया। कैश? कैश। कैसे लिया, क्या बोल के ले लिया? बोल के लिया जो इमरजेंसी रूम भी खड़ा रहिएगा और हम पैसा उठा करके और आएंगे, हम माफ़ करवा के निकाल देंगे एम्बुलेंस करके और आपको रूम पहुंचा देंगे। कहाँ रहता है ये अरुण ठाकुर? संतोषाय में रहता है। और जमशेदपुर के सोनारी की रहने वाली सुनीता घोष ने एसएसपी को आवेदन देकर जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। इधर सुनीता घोष का कहना है कुछ असामाजिक तत्व घर खाली करने की धमकी दे रहे हैं, वरना जान से पूरे परिवार को मारने की चेतावनी दे रहे हैं। महिला ने बताया एसएसपी को आवेदन देकर जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगाई गई है। फोन किए थे रात को तो बोल रहे कि आपका बेटा कहाँ गया, तो बेटा उन का साथ था लास्ट टाइम तक, उन का साथ बेटा था। किसका साथ था? वो जो जो लोग अभी धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। कौन है उन लोग? बिल्डर है कि रिश्तेदार है? दलाल, दलाल घर का जो दलाल होता ना, बिल्डर का, बिल्डर का जो दलाल होता है घर खरीदने बेचने वाला जो दलाल होता है वही दलाल है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है योगेश सदेरा और दीपक नाग। क्या आपका घर खरीदना चाहता था या बिक्री करना चाहते थे आप? हम लोग पहले बिक्री करना चाहते थे लेकिन अभी हम लोगों का पूरा ठीक ठाक हो गया, हम लोग बिक्री नहीं करेंगे। अच्छा, क्या समस्या था जो आप बिक्री करना चाह रहे थे? तो हम लोगों का मतलब अपना भाई भाई में कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम था। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। रोमांच एवं हैरत अंगेज करतब के साथ अब अपने शहर जमशेदपुर में आ गया है एम्पायर सर्कस। बच्चों को हंसी की दुनिया में ले जाने के साथ ही बड़ों को रोमांचित करता नेपाल व मणिपुर के कलाकारों का एक अनोखा शो, जिसमें आप देख सकते हैं चाकू की नोक पर अपने आप पर काबू करते कलाकार, अंधेरे में हवाई झूला, कमेलियन डॉग शो, विदेशी तोते का करतब और भी बहुत कुछ, जो इस गर्मी में आपको कर दे पूरी तरह से तरोताजा। तो इस गर्मी की छुट्टियों में लीजिए अपने बच्चों के साथ सर्कस का भरपूर आनंद। ये रोजाना अपने शहर में 3 शो में दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और
शाम 7 बजे। हमारा पता, गुलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। Ideal Industrial Training Center, affiliated to NCVT, Government of India. Ideal Industrial Training Center, ITI, देता है देश व विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। हम ट्रेनिंग देते हैं फुल टाइम एंड क्रैश कोर्सेज की। फुल टाइम कोर्सेज ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में वेल्डर, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, डोजर, पे लोडर, सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, pipe fitter and plumber, air condition and refrigeration mechanic, millwright fitter, grinder fitter, diesel mechanic. Ideal Industrial Training Center provides facilities like high-tech workshop and classroom, training for matric and non-matric students, plant training, apprenticeship, experienced and dedicated teachers. सभी ट्रेनिंग किए हुए छात्रों को NCVT भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। हमारा पता, आइडियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, रोड नंबर 12, जवाहर नगर, पोस्ट आजाद नगर, मानगो, जमशेदपुर, 15A, MS कॉम्प्लेक्स, आम बगान रोड, साक्षी। प्रिय मानगो वासी, जमशेदपुर वासियों, सबको नमस्कार, जोहार। मैं आशु पाटिल के नेतृत्व में विगत वर्षों से हमेशा आंदोलन जारी रखा और फिर हमने दो मांगों को लेकर जमशेदपुर मानगो वासियों के लिए नया आंदोलन की आगाज किया है कि इस क्षेत्र में 70% लोग को घरों का मोटेशन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र को सर्वे कराया जाए और सर्वे करा के सभी घरों का मोटेशन रसीद काटने का अधिकार दिया जाए और मानगो क्षेत्र को अंचल की दर्जा दिया जाए, मानगो को अंचल बनाया जाए। इस आंदोलन में आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं, जिसके लिए पार्टी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो 7004784144। इस नंबर पर आप मिस कॉल देकर इस आंदोलन में आप अपनी भागीदारी दे सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के साक्षी महिला थाना में रोजाना 20 से 25 मामले दर्ज हो रहे हैं। साक्षी महिला थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया, रोजाना महिला थाना में 20 से 25 मामले दर्ज होते हैं। उन्होंने जानकारी दी, दर्ज मामले में छेड़खानी और पति पत्नी के बीच आपसी विवाद अधिक रहता है। लगभग 20 से 25 शिकायतें आ जाती हैं महिलाओं की, कभी कभी पुरुष भी शिकायत लेकर के आते हैं। शिकायत जो होता है वो महिलाएं पुरुषों से परेशान होते हैं, अपने पतियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, टॉर्चरिंग होता है, ये सब मामले आते हैं। ससुराल वालों से परेशान होती है, ये सब मामले आते हैं। कभी कभी कुछ पति जो होते हैं वाइफ से परेशान होते हैं या उनके रिश्तेदार से परेशान होते हैं, फिर दोनों का बैठ करके उनके बीच बातचीत की जाती है, समझौता कराया जाता है, नहीं होता समझौता या जो उनकी इच्छा होती है आगे केस वगैरह होता है। छेड़खानी के मामले कितना रहते हैं? छेड़खानी के मामले में प्रतिदिन आते हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो भी परेशानी होती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, फ़ोन करके, इस तरह का जो भी परेशानी होता है, लड़कियाँ आती हैं, उनका आगे निपटारा किया जाता है। जमशेदपुर के जुक्सला स्थित ऋषि भवन में GST को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी समेत भारी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद थे। यह मिलाकर समय समय पर लगभग 6 से 7 कार्यशाला का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा की ओर से हो चुका है, जहाँ सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन, रिटर्न व किस तरह से टैक्स जमा करना है, इस संबंध में कई जानकारियों को उपस्थित लोगों के साथ साझा की। सेंटेक्स के द्वारा GST पर ये कार्यक्रम आधारित है। इस कार्यक्रम में JC और DC साहब दोनों आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में आने वाले GST को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है कि आगे खाता कैसे रखना है, पेमेंट कैसे करने हैं, कैसे अपना सुचारू रूप से व्यापार चला सकते हैं, उस बारे में यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, ये कार्यशाला कितनी बार है, ये कौन? ये कार्यशाला अलग अलग स्थानों पर
यहाँ कितना बार? यहाँ पर तो ये छठी या सातवीं बार हो चुकी है। पहले रजिस्ट्रेशन का कार्य कर रही थी, अब ये जानकारी का देने का कार्य कर रही है। और जमशेदपुर में टाटा स्टील के द्वारा कव्वाली नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के मशहूर कव्वाल असलम साबरी शिरकत करेंगे। दत्तकीडी स्थित सेंटर मैदान में 18 मई को कव्वाली नाइट कार्यक्रम का आयोजन टाटा स्टील के द्वारा किया जा रहा है। मोहम्मद के शहर में कव्वाली से अपनी पहचान बनाकर देश विदेश में अपनी आवाज का जादू दिखा चुके मशहूर कव्वाल असलम साबरी अपना जलवा बिखेरने जमशेदपुर पहुंचेंगे। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के हेड गोविंद माधव शरण ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि कई वर्षों के बाद जमशेदपुर में कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील के अधीन चलने वाले सभी कम्युनिटी सेंटर के लिए डांस कंपटीशन का आयोजन 24 मई को रविंद्र भवन में किया जा रहा है। इसमें 12 सेंटरों के कुल 140 बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे। ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खासकर दो प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, एक कव्वाली नाइट है और दूसरा इंटर सेंटर डांस कॉम्पिटिशन। जैसा आपको पता है कि टाटा स्टील कुछ सालों से बल्कि कोशिश कर रही है कि जमशेदपुर में कल्चरल कैसे इसको कल्चरल वाइब्रेंट बनाया जाए शहर, और इस दिशा में काम करते हुए काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैम स्ट्रीट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है लास्ट संडे उदम, वो काफ़ी सक्सेसफुल और पॉपुलर है, खासकर यूथ को जोड़ने की दिशा में। उसके बाद जब जैम फेस्ट हुआ है, फेस्टिवल में लगातार 4-5 दिन प्रोग्राम होते हैं। इस तरह से काफ़ी कव्वाली आपका हाल ही में मुशायरा हुआ है, आज से कभी सम्मेलन हुआ। और जमशेदपुर के गोलमुरी गाड़ाबासा स्थित बीआर सेवा सदन में 19 मई को मेगा स्किन ट्रीटमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव ठाकुर ने मीडिया को बताया, पिता डॉक्टर आरपी ठाकुर की शादी की सालगिरह पर मेगा स्किन ट्रीटमेंट कैंप का आयोजन 19 मई को बीआर सेवा सदन में किया गया है। यहाँ बीआर सेवा सदन में एक कैंप रखा जा रहा है, मेगा स्किन हेल्थ कैंप है ये। इसमें जितने भी तरह के स्किन चर्म रोग की बीमारी होती है उसका जटिल से जटिल जो भी चर्म रोग की बीमारी होगी उसका इलाज मुफ्त इलाज किया जाएगा और उसके बारे में सही जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। और अगर किसी तरह का जटिल चर्म रोग होगा जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा होगा, तो उसमें एक स्पेशल तरह की बायोप्सी होती है, जो स्किन बायोप्सी होती है, वहाँ के चमड़े का टेस्ट लेके हम लोग बॉम्बे भेजते हैं और वहाँ से फिर जो आगे रिपोर्ट आता है उस तरह से उसका इलाज होता है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं तक की मुख्य सुर्खियों पर। राजनगर में बच्चा चोर के संदेह में ग्रामीणों ने 4 युवकों की ली जान, पुलिस वैन को किया आग के हवाले। जमशेदपुर स्थित होटल ग्रांड से संदिग्ध अवस्था में शव बरामद, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर के साक्षी से हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, विभिन्न थानों में आपराधिक मामले हैं दर्ज। और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की रिहाई को लेकर जेवीएम ने किया चक्का जाम, रहा मिला जुला असर। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।